अजीज दोस्तों और साथियों, 2 हफ्ता मैं और आमिर गायब रहे। मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे कोविड हुआ था और अब मैं रिकवर हो चुका हूँ। अब मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। तो आज आप दोस्तों के सामने हमने एक ऐसी स्टोरी हमने डिस्कस करनी है जिसका ताल्लुक पूरे पाकिस्तान से है, और वो है टेट के टेस्ट के हवाले से। पूरे पाकिस्तान के जो स्टूडेंट हैं वो सरापा एहतजाज हैं, सड़कों पर हैं, उनकी माएँ सड़कों पर हैं, उनके वालदे सड़कों पर हैं। बुनियादी जो प्रोटेस्ट का मकसद ये है, उनका जो एमडी केट का टेस्ट था वो एक ही दिन में पूरे पाकिस्तान में हुआ करता था, और इंडिया में भी इसी तरह से एक टेस्ट हालिया दिनों में हुआ है। 1.8 मिलियन स्टूडेंट्स अपियर हुए इंडिया में भी मेडिकल टेस्ट के एग्जाम में, और साथ पाकिस्तान में अब के बार इन्होंने कंप्यूटराइज कर दिया था, और पीएमसी पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल जो है उन्होंने सबलेट किया था एक ऐसे इदारे को जिसकी कोई माजी में इस तरह की का कोई तजर्बा नहीं था कि वो एक बहुत बड़ा मैसिव स्केल का इतना बड़ा टेस्ट कंडक्ट करें। जो मसाइल सामने आ रहे हैं इस वक्त वो ये आ रहे हैं कि इन्होंने एक नए अंदाज से टेस्ट को कंडक्ट करने की कोशिश की, और 1 महीने का तवील मुद्दती टेस्ट इन्होंने रखा, यानी कि स्टूडेंट्स जो 2 लाख स्टूडेंट्स, तकरीबन 2 लाख स्टूडेंट्स जो कि अपियर होते हैं, उन स्टूडेंट्स को डिवाइड किया। और जो पहला टेस्ट था वो 30 अगस्त को शुरू हुआ था और ये 30 सितंबर को ये टेस्ट खत्म होना है। इसी दौरान जो टेस्ट के जो रिजल्ट्स थे वो टेस्ट देने के ठीक आधे घंटे बाद टेस्ट के रिजल्ट्स मौसूल होते रहे। वो स्टूडेंट जिन्होंने बहुत मेहनत से पैसा खर्च किया था, मेहनत की थी और उनके नंबर नहीं आए, वो उस टेस्ट में फेल हुए। एवरेज जो पासिंग मार्क्स थे वो 65% थे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने 2 साल में मेहनत की थी और डॉक्टर बनना चाहते थे, वो ख्वाब अभी चकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है। अब कोशिश ये की जा रही है, स्टूडेंट्स ने जो पहली मरतबा जो प्रोटेस्ट हुआ आज से तकरीबन हफ्ता पहले कोयटा में हुआ, और कोयटा के तलबा व तालिबात निकले सड़कों पर। इस दौरान पुलिस ने क्रैक डाउन किया और तशद्दुद का निशाना बनाया, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद से चंद खवातीन पर भी तशद्दुद किया गया। और गुज़िश्ता रोज़ हानिया बलोच नामी एक लड़की तालिबा जो कि एस्पायरेंट थी, डॉक्टर बनना चाह रही थी, वो जाँ बहक हो गई है। घर वालों का ये कहना है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और साथ वो उनको हल्की फुल्की इंजरीज भी आई थी बकौल स्टूडेंट्स के। बहरहाल अब वो हम में नहीं है, कॉमरेड हानिया बलोच जो कि बहुत ज़बरदस्त एक मुतहरिक अंदाज से तहरीक चला रही थी, और उस पर जो है पूरे पाकिस्तान में साथ ये प्रोटेस्ट जारी है। कराची, कोयटा, इस्लामाबाद, पीएमसी के दफ्तर के बाहर, और इसके अलावा कराची प्रेस क्लब में भी, और गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट की कराची रजिस्ट्री में के बाहर भी बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट इकट्ठे हुए, वालदे इकट्ठे हुए और उन्होंने एहतजाज किया। आमिर क्या कहेंगे, ये एक तवील एहतजाज सामने आया है। पीएमसी का जो एक्ट है उसका सेक्शन 18(1) ये कहता है कि टेस्ट जो है एक ही दिन में कंडक्ट होगा, लेकिन यह है कि इन्होंने मरहलावार टेस्ट रखकर मसाइल पैदा किए हैं, और स्टूडेंट्स बड़ी तादाद में इस वक्त सड़कों पर है, इस्लामाबाद की सड़कों पर है, लाहौर की सड़कों पर है, इसी तरह से बलोचिस्तान की सड़कों पर है। क्या कहेंगे? थैंक यू। और दूसरा ये कि जो आप फरमा रहे हैं ये बड़ा अहम इशू है, क्योंकि यहाँ पर दो बड़ी अहम जो है डायमेंशन से, एक तो ये है कि इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट एग्जांपल्स जो पाकिस्तान को फेस करना है। नौजवान स्टूडेंट्स जो अपने मेडिकल टेस्ट के लिए हर साल होता है, पता ये टेस्ट हर साल टेस्ट होता है, एक ही दिन में होता है, और इस दफा उन्होंने दो तीन वायलेशन की। पहली वायलेशन तो ये है कि जो पेपर रूल्स कहते हैं, जब आप एडवर्टाइज करते हैं टेस्ट के लिए जो सर्विस प्रोवाइडर्स को लेना होता है, इसका जो सर्विस प्रोवाइडर लेना था वो सर्विस प्रोवाइडर बड़ा एक दोषी किस्म का था, क्योंकि पहले 4 मई 2001 को ये इश्तिहार अखबारों में आया कि टेस्ट के लिए सर्विस प्रोवाइडर्स चाहिए। तो इस एडवर्टाइजमेंट के बाद ये कंपनी रजिस्टर हुई, हालांकि कंपनियां जिनको ये सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उनको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पाकिस्तान में 2 लाख के करीब स्टूडेंट्स जो है इसमें अपने होते हैं मेडिकल टेस्ट में, मेडिकल टेस्ट में, तो
उसमें उन्होंने इसको दे दिया, उनके नाम एक्सपीरियंस था, प्रोफाइल था, एक्सपोजर था, तो सबसे बड़ी नालायकी ये चीज सर्विस स्टैंडर्ड में। इस सर्विस प्रोवाइडर का वेबसाइट जो है हैक हो गया और बहुत सारे स्टूडेंट्स के यही इतराजात हैं कि उनके जो मार्क्स थे या उनके करियर था उस पर डाउट लगाया गया है और हर स्टूडेंट ने 6,000 के करीब रुपये पे किए इस टेस्ट में बैठने के लिए। तो वो सारे पैसे लाए होते, उनका करियर एक साल लाए होने का अच्छा था, तो यार स्टूडेंट जो है इंटरेस्ट के लिए सही है। अब ये मिसाल आप स्कूल के अंदर जो अच्छी मिसालें हैं वो अभी बहुत मखदूश हो गई हैं, बहुत खराब हो चुकी हैं। ये एक बेहतरीन मिसाल है एक बैड गवर्नेंस की, एक ऐसे गवर्नेंस की जिसमें रास्ते दारों के बजाय इसके स्टूडेंट के हवायात में आ जाते, हुकूमत ने रियासती इदारों को और नौजवानों को जो आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में खड़ा कर दिया अपनी नॉलेज की तरफ। अब चूंकि ये जो पूरा टूर्नामेंट के बीच सर्ची ऑडिशन है, दूसरा जो है जो जैसे आपने बताया कि हमारे पुलिस में इंडिया में हर साल इस साल में कोई 18 लाख स्टूडेंट का एक ही दिन टेस्ट करवाया और हमारे यहाँ 2 लाख स्टूडेंट के इंतजाम में 1 महीने का टाइम, और ये जो टेस्ट चालू कर इसमें एमसीक्यूज हैं और डिफरेंट क्वेश्चन है। अगर आप डिफरेंट पेपर्स बनाएंगे तो एक जो आपने क्राइटेरिया किया तमाम स्टूडेंट्स जो आप अपलोड हो रहे हैं उन सबके लिए एक ही पेपर हो, एक ही अलवाइन पेपर या पेपर भी लीक हुआ है सर, इस तरह की मिसाल भी मौजूद है। और एक और बात आमिर, क्योंकि पाकिस्तान के हर शहर के अंदर इंटरनेट की वो सहूलत दस्तियाब नहीं, जब आप इसको कंप्यूटराइज करेंगे या तो पहले आप वो सहूलियात फराहम करें और साथ ही जो स्टूडेंट का ये कहना है कि इसको रिकंडक्ट करें, क्योंकि स्टूडेंट ने सिर्फ 6,000 रुपये नहीं दिए बल्कि 40-40, 50-50 हज़ार रुपया किप्स जैसे इदारे में या दीगर जो जो टेस्ट के की तैयारी के जो इदारे हैं वहाँ पर हॉस्टलों में रह कर मुख्तलिफ नवाही इलाकों से स्टूडेंट आ गए और उन्होंने शहरों में किराए अलग दिए और जाके उन टेस्ट के जो तैयारी के इदारे हैं उनमें जाके बाकायदा टेस्ट की प्रॉपर तैयारी की है। और स्टूडेंट का बेसिकली दावा यह है कि हमने 100% जब जिन्होंने टेस्ट दिया था वो भी फेल हो गए। अच्छा, अब 15-20% जो है ना बच्चे पास होंगे यकीनन, तो जो एस्पायरेंट्स हैं जिनके वालदेन ने बड़ा खर्चा किया था और जो मेडिकल के लिए एलिजिबल थे बेसिकली, जो जाहिर बात है एक प्रोफेशन ऐसा है जिसने आगे जाके इस पूरे मुल्क की और पूरी दुनिया भर में अपने खिदमत पेश करने, जब आप MD-CAT मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट के अंदर अगर ये अगर इस तरह के मसाइल हों, इवन इंजीनियरिंग कॉलेज के भी टेस्ट हो रहे हैं, तकरीबन 28 पाकिस्तान के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज के भी टेस्ट हो रहे हैं, तो वहाँ इस तरह की कोई कंप्लेन नहीं आई है। लेकिन इस MD-CAT ने स्टूडेंट का बड़ा गर्क किया है और यहाँ तक ये देखें कि एक खातून कॉमरेड हानिया बलोच जिनका इंतकाल भी हुआ, शी वाज लीडिंग द यू नो प्रोटेस्ट इन क्वेटा, इसी तरह से ये बहुत बड़े मसाइल पैदा कर रही है हुकूमत वक्त। अब इस पर इमरान खान को, शफकत महमूद को नोटिस देने चाहिए। इवन लाहौर हाईकोर्ट में भी एक पटिशन दाखिल की गई है और उस पटिशन में जो PMC का जो 2020 का जो एक्ट है उसका सेक्शन 18(1) और इसके अलावा आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 4 और 25 को इन्वोक किया गया है। तो बेसिकली यहाँ पर ये मसाइल जेन्युइन नजर आ रहे हैं। अगर कोई किसी एक का मसला होता तो उसको आप इग्नोर कर सकते थे, लेकिन पूरा पाकिस्तान का बच्चा इस वक्त सड़कों पर है और डी चौक पर उसी वक्त उसी जगह पे जहाँ पर इमरान खान ने कहा कि मैं यूथ की नुमाइंदगी करता हूँ, उसी जगह पे आज स्टूडेंट्स अपने वालदेन के हमरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हमारे देखिए मेरा सवाल ये है कि स्टूडेंट है जो आपके आपके यंग जनरेशन है जिनका मुस्तकबिल जो है इस वक्त दांव पे लगा हुआ है, इस पर बहुत जल्द और क्विक एक्शन चाहिए हुकूमत की तरफ से और वजारत तालीम की तरफ से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि स्टूडेंट का तशद्दुद भी हुआ, स्टूडेंट को जबरदस्त करने की कोशिश की गई, रादर दैन इस मामले क्योंकि जनरल इशू लेकर स्टूडेंट आए हैं, ये वायलेशन ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स है,
नंबर एक, नंबर दो जैसा आपने आर्टिकल्स का हवाला दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो प्रोविजन है 25 आर्टिकल और फिर आर्टिकल 4 का, और फिर आपका पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का सेक्शन नंबर 4 सेक्शन नंबर 18(1) है जी, उसमें तो आप पूरी तरह से एक लीगल वास्ता मौजूद है कि अगर आपने एक स्टूडेंट को इंट्री टेस्ट में बिठाना है जो कि जर्मन बात के आपको बिठाना है, साल आपके हफ्ते थे, अगर इस तरह आप समझते कोविड का मसला है तो फिर उस सूरत में आपको पहले तो अपना जो कम्प्यूटराइज सिस्टम है उसमें ट्रायल एंड टेस्ट से बिठाना है, तो आपको ये समझना रहता है कि मुल्क के दूर दराज इलाके में कंप्यूटर का बड़ा मसला होता है, जब आप टेस्ट दे रहे होते हैं और आप अगर उसको सेंड कर रहे हैं ऑनलाइन तो बहुत सारे केसेस में ये हुआ है कि उनका सारे एप्लीकेशन गायब हो गई है और स्टूडेंट अपना जो है टेस्ट सबमिट नहीं कर पाए। तो इस सूरत हाल में आपने जब आप नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कराते हैं तो पहले उस सिस्टम को टेस्ट एंड ट्रायल बेस पे चलाएं। पर दूसरी बात जो आपने आपने जो पहले बात भी की, जो दूसरी बात ये है कि एक ऐसे इदारे को आपने बेसिकली सबलेट कर दिया या ऐसे इदारे के सर्विसेज हासिल किए थे जिसका माजी में कोई तजुर्बा ही सिरे से नहीं था टेस्ट कंडक्ट करने का, ये सबसे बड़ी सोच रही है। ये जो इदारा है, ये इदारा जिसने भी बनाया है बहुत एक पहले तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि एक ऐसा इदारा जो इस टेस्ट को सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट होने के बाद ये इदारा जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बाद में रजिस्टर्ड हो, इसका मतलब ये है कि इसकी एग्जिस्टेंस भी नहीं और इस इदारे को फैसिलिटेट करने के लिए इस टेस्ट को पूरी तरह से डिलीवर किया जाए, और ये इदारा जो है जिसकी क्रेडेंशियल्स कोई नहीं है, जिसका ऑनलाइन आप देखें उन पर कोई बड़ा कोई प्रोफाइल मौजूद नहीं है, उस तरह के इदारों को आप ऑपरेट करने के लिए आपका जो, हालांकि आपको बताओ एक और अहम बात है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने क्वेश्चन किया था कि जो जो मेडिकल टेस्ट का प्रोटोकॉल है उसको उन्होंने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को उन्होंने लिखा था, एडवाइस किया था कि आप इस प्रोक्योरमेंट को रोके, यहाँ पर बेजाबतियाँ हैं, यहाँ करप्शन है और यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज हैं, लेकिन उन्होंने कोई नहीं सुनी। और आप देखें कि आज जब हम कहते हैं हुकूमत पाकिस्तान एंटी करप्शन के मंत्रा पर रही है और उनके नाक के बीच गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री के बीच ये सारा काम हो रहा है, और ये जो है ट्रांसपेरेंसी को जिस तरह इन्होंने वायलेट किया है इसकी मिसाल कभी नहीं मिली, कभी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का इस तरह का कंट्रोवर्सी सामने नहीं है जिस तरह इजाफा है। अब इसमें मसला ये है कि स्टूडेंट जो है बेचारे ये जो सड़कों पर है, आप अब भी वक्त है जैसे लाहौर हाईकोर्ट में गई है और इसी तरह लोकल जो स्टूडेंट जो है सर का एहतजाज है, तो उसमें सिविल सोसाइटी को और जो बड़ी सियासी पार्टियां हैं PDM है और पार्टियां और अलायंसेस हैं उनको आगे आना चाहिए, स्टूडेंट के सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए, जैसे हमारे सियासी पार्टी ने जो है आपका मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ खड़े हुए खड़े हुए, ये भी एक अहम इशू है। यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स हमारा मुस्तकबिल जो है वो सड़कों पर सेटा जा रहा है और हुकूमत की नालायकी की वजह से रियासत और हमारे नौजवान आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आ चुके हैं, तो अगर हुकूमत की थोड़ी भी अकल है थोड़ा होश के बाथरूम ले तो ये इस वक्त उनकी जिम्मेदारी है इस मामले को हल करें, इन्वेस्टिगेशन करें और फौरन PMC के जो अथॉरिटीज है कंसर्न उनको जस्टिस और उनसे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उनसे पूछा जाए ये जो मामला है ये मिसहैंडल कैसे हुआ और इसको इस पूरे प्रोक्योरमेंट को कैंसिल करके नए तरीके से एक दिन का टेस्ट का सिस्टम रखें, और जाहिर बात है ये ही करेंगे ये सिलसिला लेकर आउंड होगा, स्टूडेंट की फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी और वो स्टूडेंट नौजवान जो रियासत की तरफ देखते हैं जो मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं जिनके जहन में आइडिया होता है कि बहुत बड़े डॉक्टर बन के खिदमत करेंगे, आवाम की खिदमत करेंगे, अच्छे शहरी बनेंगे, उनको ही अगर आप सोचने पर प्रश्न करेंगे तो फिर इस मुल्क में किसकी वकार रहेगी, जर्नलिस्ट वैसे भी डूब रहे हैं, स्टूडेंट डूब रहे हैं, ट्रेडर्स डूब रहे हैं, दुनिया मतलब सिविल सोसाइटी को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, हर चीज पर पाबंदी आप लगाएंगे तो इससे बड़ी फैशिज्म क्या हो सकती है, तो हम एक ऐसे फैशिस्ट दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं जिसकी इतनी खतरनाक किस्म की सियासी जो अगर इस्तेहकाम है और इतना कंजर्वेटिव रिप्रेसिव रूल है जो हमने जनरल ज़िया के दौर में। यकीनन अजीज दोस्तों साथियों आमिर ने बहुत बेहतरीन बात की है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इस पे पहले ही सवाल उठाए थे
कि ये जो कंपनी जिसको हायर किया गया है और ये पेपरा रूल्स की वायलेशन है, तो ऐसे में एक ऐसी नातजर्बकार कंपनी और एक ऐसा नातजर्बकार इदारा जो 2 लाख बच्चों को, तकरीबन 2 लाख बच्चों का टेस्ट कंडक्ट कर रहा है और एक नए अंदाज से कर रहा है, एक नए एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और उसको तवील मुद्दती टेस्ट यानी कि 30 अगस्त से आप शुरू कर रहे हैं और 30 सितंबर तक मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर आप टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, और वो कंप्यूटराइज ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट की वो सहूलत मौजूद नहीं है, खसूसन जो छोटे शहरों में वहाँ दस्तियाब ही नहीं इस वजह से, तो वहाँ इस तरह से इतना बड़ा बेड़ा उठाना और उससे स्टूडेंट्स को सड़कों पर आने पर मजबूर करना, यकीनन ये हमारी रियासत के लिए और हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और स्टूडेंट का एक ही मुतालिबा है कि रिकंडक्ट द टेस्ट। ये ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे पिछले 2-3 दिनों से कि रिकंडक्ट द टेस्ट, टेस्ट को असर नौ कंडक्ट करवाया जाए। तलबा का बहुत बड़ा खर्चा हुआ है, अब इसका कैसे अजाला होगा वो अपनी जगह है, लेकिन वो बच्चे जो अब डॉक्टर बनना चाहते हैं उनको, जो डिजर्विंग है उनको ये मौका मिलना चाहिए। तो आमिर आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे अंदाज से इसको समाप्त किया है। तो हम अजीज दोस्तों एक नए मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए गुड बाय। We want justice!